हेलो गाइज, वेलकम टू अर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वो लेटर है जिस पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ये लेटर पूरा दिखाइए, और यही वो लेटर है जो पिछले कुछ दिनों से केवीएस की वेबसाइट पर केवीएस को लगातार मेल करा जा रहा है। तो देख लेते हैं पहले पूरा लेटर, फिर मैं अपनी बातें सामने रखूँगा, फिर आप जो रखना चाहें बातें या जो समझना चाहें वो आपकी मर्जी। तो पहले तो लेटर केवीएस को मेल करा गया है। किसके थ्रू करा गया है पहले देख लेते हैं। ये मेल करा गया है 2 वर्ष का, जिन्होंने डिप्लोमा किया वो सारे उन्होंने मिल के उन्होंने अपने ग्रुप में सर्कुलर करा होगा कि भाई ये लेटर हम मेल करते हैं केवीएस को। और मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें केवीएस की स्टैंप लग चुकी है कि उन्होंने प्राप्त कर लिया है लेटर, यानी कि केवीएस के संज्ञान में आ चुका है। पहली बात तो संज्ञान में आए ना आए, केवीएस उस प्रोसेस पे काम कर ही रहा है, क्योंकि जो भी फैसला लिया जाएगा वो ठोक बजा के लिया जाएगा ताकि उससे एक भी कदम 1 इंच आगे या पीछे ना हटा जाए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। तो सबसे पहले तो जो हम दिखा चुके हैं वही चीज़ें कि पॉज कर करके पढ़ लेना, बस यही लिखा है पूरे लेटर में कि पहले हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में था, दोनों ने ही 18 वर्ष के डिप्लोमा वाले को इनएलिजिबल किया। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि केवीएस में भी ऐसा करा जाए। तो लिखा हुआ है, आता है श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन में वर्णित तथा तथ्य मान्य ठीक है किया जाए। ठीक, आप चाहो तो हम समस्त अभ्यर्थी अपने संज्ञान में ली ये भी लाना चाहते हैं कि केंद्र 18 महीने के जो डिप्लोमा है उसकी बात नहीं की गई थी, तो आप इसे इनवैलिड करें, मतलब कुल मिला के एनआईएस वाले बच्चों को बाहर करें। अब इन्होंने इसके नीचे जो अटैचमेंट लगा रखी है केवीएस के रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आया था 2022 इसका लगा रखा है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिख रखा कि 18 महीने का डीएलएड वाला एलिजिबल है। ठीक है, फिर इन्होंने नीचे ये एनसीटी का लगा रखा है जिस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो कुल मिला के इन्होंने पूरा सॉलिड काम कर लिया है जिससे 1 इंच भी ये लोग गलत नहीं है। ठीक, और ये बहुत बड़ी तादाद में, कई हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में केवीएस को मेल करा जा रहा है, लगातार करा जा रहा है। और अभी कुछ दिनों बाद ये ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, और जितनी इनकी पॉसिबिलिटी है सब जगह अप्लाई करेंगे। कैट में भी जाने वाले हैं, कुछ तो जा चुके हैं, लेकिन अब ये जो दल इकट्ठा हो रहा है, मतलब जो ग्रुप बन रहा है, ये जाएंगे कैट में। तो मैंने कहा था अल्टीमेट जो सोल्यूशन मिलेगा वो कैट से ही मिलेगा, आप इस बात को मानो या ना मानो। बाकी आप चाहे सोशल मीडिया में हम जैसे या कि हमसे भी बड़े वाले जितने भी फॉलो यूट्यूबर को देख लो, ये बस अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं, हम भी अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, बस हमारे व्यूज़ गिनती में है, उनके लाखों में है, और कोई कुछ नहीं कर रहा। आपको कैट में जाना चाहिए अगर आपको लगता है आपका हक सही है, तो ये लोग जाने वाले हैं। ठीक, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब इससे मेरा निष्कर्ष सुन लो होगा क्या, पहली बात तो ये कि ये चीज़ ये करते नहीं करते फिर भी केवीएस एनआईएस वाले मुद्दे को सॉल्व करने के लगा हुआ है, और मैंने बता दिया कि सॉल्व क्या होगा। बाकी मेरी बात सही हो गलत हो इससे आपको इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया कि क्या होगा। दूसरी बात ये कि फिर मैंने वही कहा, जैसे ही वो सर्कुलर केवीएस पब्लिश करेगा, ठीक है, अपनी मेन वेबसाइट पर, मतलब केवीएस की वेबसाइट पे, उसके विद इन वीक अब ये डिसाइड हो चुका है कि इन बच्चों के बदले नए वाले बच्चों को मौका मिलेगा। पहले मैं कह रहा था कि लिस्ट का अभी नहीं पता था कि कहाँ तक जाएगी लिस्ट कहाँ तक जाएगी का मतलब कि वो वेटिंग के साथ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि वो लिस्ट वो पहले देंगे जैसे ही केवीएस सर्कुलर रिलीज करेगा ऑफिशियली कि नाउ वी आर डूइंग दिस, चाहे वो एनआईएस वालों को मौका दे या ना दे, उसके बाद वो लिस्ट रिलीज हो जाएगी। मौका देगा तो एनआईएस वालों को मौका मिलेगा, और नहीं देगा तो उनके बदले 2 साल के डिप्लोमा वालों को मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ कि हमें जो सोर्सेज से पता है उसके अकॉर्डिंग एनआईएस वालों को मौका नहीं दे रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।